हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम समद अब्बास है। मैं संभल से बिलोंग करता हूँ और यहीं रहता हूँ। मेरा कोई कैनल नहीं है यहाँ पे संभल में, लेकिन मुझे शौक़ है डॉग्स का और मैं काफ़ी टाइम से डॉग पाल रहा हूँ। और मुझे जो डॉग पसंद है सबसे ज़्यादा वो ग्रेट डेन है। तो इस टाइम मेरे पास 3 ग्रेट डेन है, एक पेयर है पूरा और एक बच्चा है 4 मंथ्स का ग्रेट डेन का। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे पालते हुए। और ये जगह है जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही यहीं से मैंने पालने स्टार्ट करे थे डॉग। आप देख सकते हैं ये सारा, ये यहीं से मैंने शुरुआत करी है डॉग पालने की अपने। और अच्छा खासा टाइम हो गया और मुझे डॉग से बिल्कुल फैमिली की तरह है अटैचमेंट इनसे। कोई शौक़ या कुछ पैसे वैसे का ऐसा कुछ है नहीं कमाने का इनसे, लेकिन शौक़ के तौर पर मैं अपने पालता हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपने ग्रेट डेन जो मेरे पलने हैं यहाँ पे। ये फ्लॉयड है, क्या नाम है, ये 17 मंथ्स का है अभी। फ्लॉयड की तबीयत ख़राब हो गई थी अभी पीछे काफ़ी, जिसकी वजह से ये बहुत ढल गया कुत्ता। अच्छा खासा ये काफ़ी इसकी तबीयत ख़राब रही, इसको फीवर वीवर इसकी और कुछ पारवों के सिम्टम्स भी थे इसमें जिसकी वजह से। लेकिन अभी हल्के हल्के रिकवर हुआ है उस चीज़ से, तो अभी ज़रा कुछ बेटर हुए पहले से ये। और बहुत अच्छा डॉग है मेरा ये। मेरा ये फर्स्ट टाइम मैंने इसको क्या नाम है लिया है मेल को। ये मेरे एक फ्रेंड हैं अलीगढ़ से, ये उनसे मैं लेकर आया था, उन्होंने मुझे दिया है ये फ्लॉयड। ये इसकी एज अभी 17 मंथ्स है और ये KCI रजिस्टर्ड है, विद पेपर है ये फ्लॉयड। अभी इसने कोई शो करा नहीं है, अगर हाल ही में अगर ये क्या नाम है रिकवर हो जाए ये, फिर इससे इसको शो करवाऊँगा। और ये है फेंडी, ये फीमेल है मेरे पास। ये इसको 2 साल हो गए मेरे पास, इसको फेंडी को। फेंडी बहुत बेचारी लविंग है, बहुत ज़्यादा, और मुझसे बहुत ज़्यादा करती है ये क्या नाम है। अच्छा खासा इसको मेरे पास टाइम हो गया। इसको फेंडी को मैंने बचपन से ही पाला है, 2 मंथ्स की थी जब मैं इसे लाया था फेंडी को। मेरे भाई एक दिल्ली में, उन्होंने ये क्या नाम है दी थी ये फेंडी, तो तब से पाला। और मुझे फर्स्ट टाइम मैंने डॉग शो में गया था मैं देहरादून, मेरा कज़िन है नवेद उसके साथ मैं देहरादून गया था डॉग शो में। तो वहाँ पे वो ग्रेट डेन लेके गया था अपने, अजारो और जोया नाम की का पेयर था ग्रेट डेन का। विद्या रतन जी, डॉक्टर विद्या रतन जी के यहाँ की लाइन थी वो। फेंडी भी उसी लाइन की है ये, वहीं से ही उनके यहाँ से। तो मुझे वहीं से मुझे ग्रेट डेन का पालने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा उसी टाइम से ही, तो तब से मैंने ग्रेट डेन ही रखे अपने पास। और हाल ही में मेरे पास और भी कुत्ते हैं, जर्मन शेफर्ड हैं, इंग्लिश मैस्टिफ है, बुल मैस्टिफ है, अमेरिकन बुली हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा है वो मुझे ग्रेट डेन से है। और ये अभी तो फ़िलहाल मेरे पास ये यहाँ पे इसी फार्म पे है क्या नाम है, ये 3 डॉग ही हैं और बाकी सारे मेरे ये रामपुर में हैं कुछ और बिजनौर में, वहाँ दोस्त के यहाँ मेरे वहाँ पे मैंने दे रखे हैं। ये इनका, इसको आप देख रहे हैं संभल में ये क्या नाम है शो भी जीती है फेंडी। इसकी मैं आपको ट्रॉफी सब रखी हुई है संभल में, फर्स्ट प्राइज जीती भी है फीमेल में। ये आपको मैं दिखाता हूँ अभी स्टैक कर रहा हूँ। फेंडी असल में ट्रेन नहीं है इतनी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, बस हल्की फुल्की खड़ी हो जाती है ये। ऐसे ग्रेट डेन को आप फैमिली डॉग कह सकते हैं, इतने एग्रेसिव होते नहीं हैं। लेकिन ग्रेट डेन का मसले का पालने का ये है, एक तो इनकी डाइट अच्छी खासी होती है और दूसरी चीज़ इनको पालने के लिए स्पेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इनको रनिंग की बहुत ज़रूरत है ग्रेट डेन को पालने के लिए। अगर इनको स्पेस नहीं मिलेगा, रनिंग नहीं कर पाएंगे, तो इनकी ग्रोथ वो इनकी नहीं निकल पाएगी, और जिसकी वजह से इनके पीछे पैर बाहर निकल जाते हो तो उनमें प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो ये इसके लिए ज़्यादातर स्पेस चाहिए होता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इनको रखा है। जो स्पेस इनको दे रखा है वो अच्छा खासा स्पेस है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरह का बाहर रोड है,
यहाँ ग्रास है, तो मैं इनको डेली तकरीबन 2-3 किलोमीटर इनको मैं डेली वॉक कराता हूँ साथ में, और करता ही हूँ इनके, मैं भी करता ही हूँ, अकेला इनको नहीं करा, पैदल ही चलता हूँ इनको लेके। ग्रेडन आप पालने को पालने हैं, लेकिन ये छोटी जगह में नहीं पल पाएगा, इसके लिए आपको बड़ा स्पेस रखना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ और इसकी पर्सनैलिटी में फ़र्क आता है। इसको रनिंग की बहुत ज़रूरत है, अगर वो चीज़ इसको नहीं मिलेगी तो इसके पालने का कोई फ़र्क नहीं है। और एग्रेसिव में अगर पालने में बात देखा जाए तो ग्रेडन इतने एग्रेसिव नहीं होते, बस देखने में इतने लगते हैं काफ़ी लोगों को, ज़्यादातर इनके क्या नाम है ग्रोथ से, इनकी हाइट से, इनके फेस से डर लगता है, लेकिन इतने एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन बहुत लविंग होते हैं, और बच्चों से बड़ों से सब फैमिली के साथ बहुत अटैचमेंट अच्छा रखते हैं ये, हर किसी के साथ जो इनके साथ करता है उनके साथ अटैचमेंट बहुत अच्छा रखते हैं। इस वजह से आप पालें ग्रेडन, बहुत अच्छी ब्रीड है, और घर में ना रखें इनको, कहीं अच्छे बड़े स्पेस में रख के इनको आप पालें।